हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर योर ओनली में। फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल पे भी गूगल क्रोम के तरफ से अनवांटेड नोटिफिकेशंस आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्रोम के जो अनवांटेड नोटिफिकेशंस आते हैं उन्हें कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नोटिफिकेशंस बार को ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्रोम के तरफ से कुछ अनवांटेड नोटिफिकेशंस आ रहा है, जो एक ही साइट से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ytmp3.nu बोल के एक साइट है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे मोबाइल पे आ रहा है। लेकिन ये सारे एडल्ट नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल पे कैसे आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो भी ytmp3.nu के साइट से। ये जो एडल्ट नोटिफिकेशंस है ये कैसे आ रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स, ytmp3 एक ऐसी साइट है जिसपे हम यूट्यूब वीडियोज़ को mp3 में कन्वर्ट करके डाउनलोड करते हैं। तो उस साइट से ये जो नोटिफिकेशन है, ये मतलब एडल्ट नोटिफिकेशन है, ये कैसे आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए, ऐसे नोटिफिकेशंस को कैसे ब्लॉक करते हैं इसके बारे में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो यहाँ हमें अपना क्रोम ब्राउज़र को अपने मोबाइल पे ओपन करना है, और यहाँ ऊपर आपको थ्री डॉट्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पेज को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ फिर से पेज को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ आपको साइट्स का सेक्शन दिखाई देगा, और यहाँ लिखा है शो नोटिफिकेशंस, और ये जो शो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है ये अभी इनेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी वेबसाइट का कोई भी तरह की नोटिफिकेशंस ना आए तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, इससे किसी भी वेबसाइट का नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी इम्पोर्टेंट साइट का नोटिफिकेशन ऑन करके रखे है और उसका नोटिफिकेशंस आपको चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसे डिसेबल करने से उस वेबसाइट का जो नोटिफिकेशंस है वो भी आपको नहीं आएगा। तो यहाँ शो नोटिफिकेशंस के नीचे आपको कुछ साइट्स का लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ ऊपर जो लिखा है ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर डॉट प्रो बोल के, इसका जो नोटिफिकेशंस है वो मुझे रखना है। और इसके नीचे जो है ytmp3.nu बोल के, इसी वेबसाइट से अभी जो मैंने दिखाया आपको नोटिफिकेशंस वो आ रहे थे। तो इस वेबसाइट का नोटिफिकेशंस ब्लॉक करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शो नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है ये एनेबल है अभी, तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना होगा। इसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी नहीं आएगा आपको। इसके बाद बैक जाते हैं और नीचे वाला भी क्लिक करते हैं ytmp3.nu। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पहले से डिसेबल है, तो इसे आपको ऐसे ही रहने देना है, तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जिस वेबसाइट से नोटिफिकेशंस आता था उस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। अभी मेरे पास ये जो नोटिफिकेशन से फालतू का ये सब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पे अनवांटेड क्रोम के नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू।